अजदा क्या क्या है? दो QIPs, एक J&K बैंक का, एक स्टर्लिन एंड विल्सन का। J&K बैंक में 750 करोड़ का QIP दरअसल लॉन्च होने की खबरें हैं। इंडिकेटिव प्राइस इसका करीब करीब 107.60 रुपये है। करीब 14% के डिस्काउंट पर आता हुआ दिखाई देगा। इक्विटी डाइल्यूशन करीब 6.79% के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल J&K बैंक से रिलेटेड QIP। स्टर्लिंग एंड विल्सन की तरफ से 1500 करोड़ का QIP दरअसल लॉन्च हो चुका है। यहाँ पर इंडिकेटिव प्राइस करीब 347 रुपीज़ प्रति शेयर है, जो लगभग 5% का डिस्काउंट है सेबी के फ्लो प्राइस के कैलकुलेशन के तहत। यहां पर पोस्ट इशू डाइल्यूशन करीब 18.55% होता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों ही स्टॉक्स दरअसल QIP के चलते आज फोकस में। QIP के चलते दोनों फोकस में। J&K बैंक तो बहुत अच्छा मूव दिखा भी रहा है। बैठी साहब, J&K बैंक या कोई छोटा मझोला दूसरा सरकारी बैंक जो रडार पे आए ट्रेडिंग के लिए, आज से बेस्ट बेट हो? जी आशीष जी, J&K बैंक तो कल 10% भाग गया। थोड़ा सा हाई बीटा स्टॉक है, तो हमें लगता है कि इसमें से थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि बाकी सारे बैंक्स में, पूरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत अच्छा मूव मिल रहा है और रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेवरेबल है। तो हमारी दो बेस्ट पिक रहेगी बैंक ऑफ बड़ौदा और कैन बैंक। अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा बोलूँ तो वापस एक जोन पे को अप्रोच कर रहा है, 215 का जो इसका जोन है। एक सप्लाई क्लस्टर था सेप्टेम्बर और अक्टूबर में बना था और वापस उसे अप्रोच कर रहा है। मैं लग रहा है कि अच्छा ब्रेकआउट यहाँ से देखने मिल सकता है और स्टॉक वेल प्लेस्ड है 228 तक के लेवल्स दिखाने के लिए। थोड़ा सा बड़े टारगेट्स इसके आ रहे हैं हमारे, तो इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है, 207 का एक SL मेंटेन करके 228 के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। सिमिलरली कैन बैंक में भी जिनके पास पोजीशन है बने रहने की सलाह है। मुझे लगता है कैन बैंक में भी एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ से देखने मिल सकता है। स्टॉक ऑलरेडी 52 वीक का है और के पास पे चल रहा है। हमें लग रहा है इसमें 465 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 435 का कैसे मेंटेन करें। ओके, अगर सरकारी बैंक्स पे दाव लगाना है तो फंडामेंटली तो SBI था। कुछ प्रिफर्ड ट्रेडिंग बेट्स आप लोगों की स्क्रीन्स पे बहेती साहब की तरफ से, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक।